छत्तीसगढ़ की वैष्णो देवी। शारदीय नवरात्रि आते ही सजने लगा है माँ की आस्था का दरबार। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही शुरू हो चुका है भक्तों के माँ के दरबार में आने का सिलसिला। देवभोग विकास खंड से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम घोघर, जहाँ ऐसी मान्यता है कि जम्मू कश्मीर में विराजित माँ वैष्णो देवी का अंश यहाँ मौजूद है। नवरात्रि पर्व में खास तौर पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है, मंदिर की व्यवस्था संभाले नहीं संभलती। ऐसे में स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक समिति बनाई है जो पूरी व्यवस्था को देखती है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, कालाहांडी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, उड़ीसा के क्षेत्रों के ये सब इलाके हैं जहाँ से लोग दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच कर माता की सेवा करते हैं और आस्था के दीप जलाते हैं। कलश स्थापना की यहाँ बड़ी परंपरा है। माताओं बहनों के साथ श्रद्धालु पहुँचे और माता के दरबार में उन्होंने अपनी कलश स्थापना कर अपनी आस्था प्रकट की। प्रस्तुत है हमारे ब्यूरो घनश्याम यादव की रिपोर्ट। आप लोग अभी कलश यात्रा में शामिल होने आए हैं? हाँ, इन्हीं कोई कारण है। आइए मिलते हैं हमारे वैष्णवी भक्त जगत देवी माँ वैष्णवी भक्त माँ जगत देवी माँ वैष्णो देवी माता अपम पार मिला। माँ का 9 दिन नवरात्रि चलते हैं, तो 9 दिन भगवंडरा चलते हैं। आने जाने भक्तों का सब खान पी के आराम से जाते हैं। माँ का वैष्णव के विकास के बाद प्रदास हो जाए। श्रद्धालु भक्तों का भी इच्छा है कि यहाँ असंख्य संख्या में भीड़ बढ़ती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है। 9 दिन तक भीड़ लगती है। सभी आज कलश यात्रा में पधारे मेरे माता बहनों, अनेक श्रद्धालु यहाँ भक्तगण माँ वैष्णवी के दर्शन हेतु नवरात्रि में 9 दिन उपवास जागरण एवं उनके भजन कीर्तन करते हैं। जय माता।